हेलो एंड वेलकम टू बॉलीवुड वाला आई एम सोनू दोस्तों अगर आपको एस्प्रिन डिस्प्रिन सैरेडोन खाना पसंद है तो प्लीज जाके देखिए राधेश्याम क्योंकि हेडेक गारंटीड है सरदर्द गारंटीड है यार 2022 का सबसे अनबेरेबली बोरिंग फिल्म है राधेश्याम जो मैं 500 रुपया खर्चा करके देखने गया मस्त रिक्लाइनर सीट लिया मैं ये सोच के कि प्रभास का फिल्म में देखने में मजा आएगा आराम से लेट के बैठ के देखता हूं यार लेकिन कुछ नहीं यार स्क्रिप्ट नाम का चीज है ही नहीं वेर इज द स्क्रिप्ट अरे यार आप टॉर्च मार के देखो आपको स्क्रिप्ट नजर नहीं आएगा पूरे फिल्म में यार द फर्स्ट हाफ इज इजरेबल द सेकंड हाफ इज सेकंडबल एंड आई वॉज फीलिंग मिजरेबल बिकॉज द फिल्म इज सिंपली अनबेरेबल दिस इज राधे श्याम फॉर यू यार देर इज नो स्क्रिप्ट यार एंड आई एम नॉट इवन किडिंग फिल्म देखो यार आई ए सरप्राइज लाइक दिस गॉट अप्रूव इन द फर्स्ट प्लेस विद्रिप्ट लाइक दिस एंड प्रभास जैसा एक्टर अग्री किया ऐसा फिल्म करने के लिए तो स्क्रिप्ट लाइक दिस यार क्या है स्क्रिप्ट आप क्या बताना चाहते हो आपको ज्योतिषी वाला कहानी कुछ बताना है पामिस्ट्री का कहानी बताना है फाइनल डेस्टिनेशन जैसा कुछ कहानी बताना है टाइटेनिक का रोमांस वाला स्टोरी कुछ बताना है आपको बताना क्या आप खुद ही कंफ्यूज हो यार स्टार्टिंग में आप यह दिखाते हो प्रभास ज्योतिषी करता है उसके बाद इंडिया छोड़ के अचानक से दूसरे दुनिया में जाता है

क्या मतलब क्या चल रहा था रोमांस के नाम पे कुछ भी चल रहा था और पूजा हेगड़े का जो इंट्रोडक्शन है वो जो ट्रेन वाला जो स्टंट करती है यार वो छपरे लोग जो करते हैं ना ट्रेन में स्टंट जिसके लिए फाइन मारते हैं रेलवे पुलिस वैसा स्टंट कर रहा है यार और वैसा इंट्रोडक्शन होता है पूजा हेगड़े का प्रभास के साथ क्या मतलब क्या मजा आ रहा है यार कुछ भी मजा नहीं आने देखने में कुछ मजा नहीं एंड एज इफ दिस वॉज नॉट इनफ प्रभास बाहुबली बन जाता है एक पर्टिकुलर सीन में इन द फर्स्ट हाफ पेड़ गिराता है उफ, आप वो सीन देखो अनबेरेबली बैड बी अनबेरेबली बैड बी यार वेरी बैड बी क्या मतलब इम्पैक्ट पड़ते हैं ऐसे सीन्स का क्यों आप रखते हो ऐसा सीन्स यार क्या मतलब वो स्टोरी को क्या वैल्यू देता है यार बिल्कुल कुछ भी नहीं

आप बोलते हो साउथ इज साउथ इज ईयर साउथ इज ओवर टेकिंग बॉलीवुड बॉलीवुड खत्म बॉलीवुड इज ओवर कहा बॉलीवुड इज ओवर ऐसे ऐसे फिल्म को आप बोलोगे बॉलीवुड इज ओवर करके ऐसे फिल्म को लेकर आप बोलोगे यार लाइन में जो साउथ फिल्म अभी रिलीज हुआ वाली माई का हिंदी वर्जन फ्लॉप खिलाड़ी का हिंदी वर्जन फ्लॉप मास्टर का पहले जो हिंदी वर्जन आया था वो फ्लॉप भीमला नायक का हिंदी वर्जन आने वाला था वो आया नहीं अब राधे श्याम का ऐसा निकला हिंदी वर्जन और आप बोलते हो साउथ इज ईयर बॉलीवुड इज ओवर कुछ भी

उनका एक्टिंग बिल्कुल मजा नहीं आया देखने में प्रभास का बिल्कुल मजा नहीं आया एंड डायलॉग डिलीवरी इतना वीक लग रहा है हिंदी में यार प्रभास को अपना आवाज में क्यों करना है डब दब, प्रॉपर डबिंग आर्टिस्ट लगाओ ना यार प्रोफेशनल डबिंग आर्टिस्ट लगाओ यार वन ऑफ द प्राइम रीजंस व्हाई बाहुबली वाज सच अ मेजर सक्सेस इन हिंदी वाज बिकॉज इट हैड अ प्रॉपर डबिंग आर्टिस्ट डबिंग आर्टिस्ट मतलब शरद केलकर का वॉइस सुपर था आप किसी एक्टर को लगाओ पुष्पा में अपना श्रेयस तलपड़े को लगाया था अल्लू अर्जुन ने अल्लू अर्जुन थोड़ी डब किया था प्रभास का हिंदी इतना खराब है इतना खराब है कि मैं क्या बोलू यार इतना खराब लग रहा था मजा आया नहीं वो डायलॉग डिलीवरी नेचुरल और एफर्टलेस लग ही नहीं रहा है यार तो क्यों करना है आपको क्यों और बाकी के जो भी कैरेक्टर्स है वेस्टेड जगपति बाबू वेस्टेड जयराम वेस्टेड और बेचारा मुरली शर्मा को तो मुंह खोल के हेलो बोलने तक का मौका नहीं मिला यार नो डायलॉग्स एट ऑल व्हाट इज ही डूइंग इन द फिल्म व्हाई इज ही देयर इन द फिल्म फॉर क्वेश्चन मार्क नो वन नोस ना क्या बताऊ यार क्या बताऊ यार माइटी डिसअपॉइंटेड वेस्ट ऑफ मनी हुआ यार वेस्ट ऑफ टाइम हुआ सुबह उठ के जाके यार क्या है ये यार ये है पैन इंडियन सिनेमा आई एम सॉरी जीरो स्टार्स यार टोटली डिसअपॉइंटेड आई एम माइटी डिसअपॉइंटेड टाटा